हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शबानास किचन। आज मैं आप लोग के साथ मसाला गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये रेसिपी बैचलर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि बिना तामझाम किए, बिना मसाला पीसे फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। तो अगर आपके पास वक्त की कमी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबाएँ। तो चलिए ये मसाला गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मसाला गोश्त को मैं मीट में बनाऊंगी। तो मैंने 700 ग्राम मीट लिया है, जिसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो आप चाहे तो इसे मटन में भी बना सकते हैं। और मैंने 6 मीडियम साइज़ के अनियन को रफली कट कर लिया है, तो बस मोटा मोटा काट ले। वेट में ये 400 ग्राम है। और मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी रफली कट कर लिया है, तो आप एक टमाटर के 2-3 टुकड़े कर ले। और मैंने यहाँ पे 6 हरी मिर्चें ले ली है, तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। और कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 2-3 तेज़पत्ता लिया है, और 2-3 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, और 4 से 6 मैंने लौंग ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है, और 3 से 4 छोटी इलायची है, और 1 बड़ी इलायची है। तो अगर 1-2 खड़े मसाले आपके पास कम भी हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि बैचलर रेसिपी है। और 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मीट को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि हमें इसे फटाफट से बनाकर तैयार करना है। तो हम इसकी कुकिंग कुकर में करेंगे, और वैसे भी मीट वगैरह को कुकर में ही पकाया जाता है, अच्छे से गल जाती है। इस रेसिपी की खास बात यही है कि ये वन पॉट रेसिपी है, और हम तमाम चीज़ें एक ही बार इसमें ऐड कर देते हैं, तो बार बार हमें इसे चलाने और भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और खड़े मसालों को ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ, तो ये लगभग 2 टीस्पून के जितना है, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। तो आपको इसे पेस्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे दरदरा सा कूट ले और ऐड कर दे। और अब हम इसमें 3 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, और इसी के साथ हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, जितना आपको ये तीखा चाहिए। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर भी ऐड कर देंगे, और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, जिसे मैंने साथ में पीस लिया है। और अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर ले। तो बस तमाम मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं, तो अब फाइनल हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये रिफाइन ऑयल है, तो आप जो ऑयल खाते हैं वो ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने इसमें कोई पेस्ट वगैरह ऐड नहीं किया है, बस सब कुछ रफली चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से बनाया हुआ गोश्त फटाफट से बनके तैयार भी हो जाती है, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और हाँ, इस तरीके से बनाने से ये गोश्त अच्छे तरीके से गल भी जाती है, क्योंकि जब हम गोश्त को ऑयल में पहले भून के बनाते हैं तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, पर इस तरीके से काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होती है, और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हम इसे गलाएंगे, और इसे भी एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो पानी ज़्यादा ना ऐड करें, क्योंकि प्याज़ और टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं हमेशा से गोश्त इसी मेथड से बनाती हूँ, क्योंकि ये बिना तामझाम के बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार भी होती है। और अब हम कुकर के लिड को लगा देंगे, और इसे गलने के लिए हम गैस पर रख देंगे। तो मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, तो हम इसे फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, क्योंकि मीट का जो कुकिंग टाइम होता है वो मटन से ज़्यादा होता है। अगर आप इसे मटन में बना रहे हैं तो बस 5 से 6 सीटी आप मीडियम फ्लेम पर लगा लें, तो ये अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो 25 मिनट के बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और इसके प्रेशर को मैंने नेचुरली रिलीज़ कर लिया है। तो अब मसाला गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके मसाले आपस में कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। टमाटर प्याज भी अच्छी तरीके से गल चुकी है, और जो गोश्त है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से गली है। और अब आप चाहे तो इसे यूं ही सर्व कर सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं, पर मैं इसे कुछ देर के लिए और भूनूंगी। तो उसके लिए मैंने इसे दोबारा गैस पे चढ़ा दिया है, और अब मैं इसमें कुछ बारीक कटे हुए फ्रेश पुदीना के पत्ते ऐड कर रही हूं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर इसे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए और भून लेंगे, और उसके बाद फिर इसे डिश आउट कर लेंगे।
तो मैंने इसे एक बोल में डिश आउट कर लिया है। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ और बिना किसी झंझट के ये फटाफट से बनके तैयार हो गई है। तो अगर आप बैचलर है या फिर बिगिनर है और पहली बार गोश्त बनाने की सोच रहे हैं तो इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और इसे तंदूरी रोटी, चपाती, नान या फिर राइस के साथ इंजॉय करें। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे शेयर करें। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।